के अमलीकापा पुल और सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर कार्रवाई हुई है। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एचसी वर्मा और इंजीनियर चंदन चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि भू अर्जन का गलत प्रस्ताव बनाकर 17 लाख रुपए की गड़बड़ी की गई थी। इस मामले में कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जरहा गांव थाने में अपराध दर्ज किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रशांत संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? गबन का ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है भू अर्जन से, ये कैसे इस मामले का खुलासा हुआ और अब क्या कार्रवाई हो रही है? जी, निश्चित रूप से एक बड़ी गड़बड़ी निकल कर सामने आई है कि जिस तरह से जो भू स्वामी है उसके साथ मिली भगत करके ये जो दो अधिकारी है इनके द्वारा 17 लाख रुपए से अधिक की राशि धोखाधड़ी करके निकाली गई थी और शासन को शासकीय राशि का गबन कर चूना लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बड़ी गड़बड़ी की गई है उसके बाद जिस शिकायत मिलने पर कलेक्टर राहुल देव ने निर्देश दिया था और इस पर जांच हुई थी। तहसीलदार पथरिया को इसके जांच के जिम्मा सौंपा गया था और उसके जांच के बाद आज जरहा गांव में मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद दोनों जो दोषी अधिकारी हैं जो कि लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण विभाग के एसडीओ हैं एस सी वर्मा और अभियंता जो नंदन चंद्राकर है उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जो है आगे कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए प्रशांत। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है इस पर। यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का मामला है। पहले शादी का झांसा देता है, फिर शोषण करता है और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी का झांसा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ के बाद ही ये पूरा मामला और साफ हो पाएगा कि आखिर इसका इरादा क्या था, इसकी मंशा क्या थी। परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और साथ ही युवती के भी परिवार वालों से पूछताछ। अंबिकापुर से खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। बकरी चराने जाने से मना करने पर हत्या कर दी। शराब के नशे में उसने पीट पीट कर जान ले ली है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। दरिमा थाने के पुटा खर्राडान गांव का यह मामला, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की उसने हत्या कर दी, पीट पीट कर हत्या की है। दरअसल पत्नी को बकरी चराने जाना था लेकिन पति मना कर रहा था और इसी बात को लेकर विवाद जितना ज्यादा बढ़ गया कि उसने शराब के नशे में पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। राजनांदगांव जिले में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है और आधा दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं। अलग अलग अस्पतालों में 38 मरीज भर्ती हैं। उल्टी और दस्त की शिकायत उन्हें आ रही है। लोग बीमार हो रहे हैं और कुछ गांव में कैंप लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया से लोग जो है परेशान हो रहे हैं और उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है, बीमार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ गांव में तो कैंप भी लगा दिए गए हैं ताकि उनका इलाज जल्दी हो सके। अस्पताल में इतने इंतजाम नहीं जितने मरीज आ रहे हैं। 38 केसेस सामने आए। सूरजपुर से खबर, जहां दल से बिछड़े हाथी की दहशत दिखाई दे रही है। धर्मपुर के खड़गवां क्षेत्र में यह हाथी पहुंच चुका है। आधा दर्जन गांवों में विचरण कर रहा है। आसपास के गांव को अलर्ट किया गया है। वन विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है।
रक्षाबंधन और हर घर तिरंगा अभियान पर आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बैठक बुलाई है। आईजी कलेक्टर एसपी को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ जिला पंचायत को भी बैठक में शामिल होने के निर्देश मिले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। मंत्री सांसद विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। 15 दिनों तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त के लिए हर घर तिरंगा अभियान और रक्षाबंधन को देखते हुए भी कुछ अहम फैसले चर्चाएं संभावना जताई जा रही है कि हो सकते हैं कुछ अहम निर्देश जारी होंगे। उसके पहले अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी और बहुत ही ज्यादा अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। त्योहारी सीजन और उसके पहले बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। इसमें विधायक सांसद तो होंगे ही, इनके अलावा अधिकारी भी शामिल होंगे ताकि सुरक्षा के लिहाज से अच्छे इंतजाम प्रदेश में हो। अंबिकापुर शहर में सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। शहर के खरसिया चौक से दरीमा चौक तक सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़कें टूट रही हैं। सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारी परेशान हैं। गौरतलब है कि हर साल मानसून की भारी बारिश में ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग नगर निगम और जिला प्रशासन से लंबे समय से समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी है और बारिश का पानी जमा हुआ है, लेकिन इसे निकालने के कोई इंतजाम नहीं। इस वक्त मैं अंबिकापुर के खरसिया चौक पर मौजूद हूं और खरसिया चौक से लेकर दरिमा चौक तक जो है जल भराव का संकट सालों से बना हुआ है, लेकिन इस जल भराव के संकट को नहीं नगर निगम निजात दिला पा रही है और नहीं जिला प्रशासन के अधिकारी। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के ये समस्या होता है। भैया, आप लोग यहाँ फल ठेला लगाते हैं, पानी भर जाता है, किस तरह समस्या होता है? हमेशा पानी भरा रहता है भैया, हर जब भी बरसात आता है पानी हमेशा भर जाता है। 15 साल से की समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है, 15 साल से इसमें हमेशा बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है, जिसमें हम लोग 3-4 दिन दुकान बंद कर देते हैं पानी की वजह से। पानी भरा रहता है, कस्टमर नहीं आते हैं, बहुत सारा समस्या है, दुकान के अंदर पानी घुस जाती है। कितना यहाँ पे दिक्कत होता है राहगीरों? बहुत सर दिक्कत होता है। सुबह पर सर हम लोग काम यहीं पे करते हैं, सर आते हैं तो पूरा देखते हैं एकदम भरा रहता है, आने जाने वाला पब्लिक को भी परेशानी होती है। गाड़ी मोटरसाइकिल वाला आते सर, वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा था रोड में सर, गिरे हैं 2-4 आदमी, हम लोग वहाँ पर उठाए भी, हेल्प किए हैं सर, बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग का भी बहुत हर तरह से परेशानी उठाना पड़ रहा है, मतलब सुबह पर देखते हैं तो दुकान में पानी घुसा हुआ रहता है, भैया लोग पानी को पछते हैं, फिर उसके बाद दुकान उकान लगाते हैं। देखिए अभी बहुत सारा देखिए पानी भरा हुआ है यहाँ पर। आप अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं सर कि जो समस्या है वो सावधान किया जाए सर, हम लोग का सुविधा दिया जाए सर, नाली उली यहाँ पर बढ़िया बन जाता है, आने जाने वाले को भी पब्लिक को भी मतलब कि कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होता सर, दुकानदार भी बढ़िया से अपना दुकानदारी करें। ये सड़कों की स्थिति क्या है भैया? पानी जल भरा रहता है, सड़क क्या है इसकी, कहाँ से कहाँ तक खराब है ज़्यादा? पूरा खरसिया चौक से लेके दरमा मोड़ तक पूरा सड़क खराब है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी भरा है, पानी भरा रहता है और पता चलता नहीं है, ई रिक्शा वाले जाते हैं, पूरा रिक्शा पलट जाता है। हम लोग चाहते हैं कि दोनों साइड से नाली बने, रोड बने। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं और साथ में राहगीर हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं इस जल भराव को लेकर, और इस जल भराव के कारण सड़कें भी खराब हो रही है। स्वर्ण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।